अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता कागुदय हॉस्पिटल, शासकीय आईटीआई के बीच, सुभाष नगर रोड, करीला, सागर। इन दिनों युवाओं में बदमाशी और रंगदारी के साथ गैंग बार का टसन है। आलम यह है कि कच्ची उम्र के युवा दुश्मनी भी जमकर कर रहे हैं। छुरे, चाकू, लाठी, राड और कट्टे भी जमकर चला रहे हैं। ऐसे ही एक गैंग बार में एक युवक की हत्या देर रात बीच सड़क पर कर दी गई। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहाँ गोपालगंज थाना अंतर्गत पटवा मंदिर घटिया मोहल्ला त्री क्षेत्र में तीन रंगदारों ने एक युवक की पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक के परिजन जब तक आते तब तक आरोपी फरार हो गए थे। जानकारी कहती है कि इस क्षेत्र के पप्पू लपरा, मुन्ना पटेल और संजोग पटेल की इसी क्षेत्र के रहने वाले सनी रेखवार से बदमाशी वाली लड़ाई और रंजिश चल रही थी। बीती रात जब सनी रेखवार किसी शादी समारोह से वापस लौट रहा था, तभी अचानक से सड़क पर पप्पू लपरा, मुन्ना पटेल और संजोग पटेल के साथ अन्य साथियों ने सनी रेखवार को रोका और उस पर बेसबॉल के डंडों के साथ धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जब तक सनी के परिजन आते तब तक आरोपी भाग खड़े हुए थे और सनी का भी दम निकल गया था। मृतक सनी का भी पुलिस रिकॉर्ड में बदमाशी भरा रहा है, उस पर जिला न्यायालय में केस दर्ज है। आजकल युवाओं में दो बातों को लेकर विवाद हो रहा है, पहला लड़कीबाजी और दूसरा रंगदारी के वर्चस्व को लेकर। बस शायद यही दो वजह इस कत्ल की रही होंगी। बहरहाल पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है और वजह तलाश भी कर रही है, साथ ही आरोपियों की पुलिस ने अब तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल सागर अब धीरे धीरे बदमाशी वाला अड्डा बनता दिख रहा है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। We'll be right back.